Welcome you all in this class. Today we will discuss about agriculture extension education under course number AEXT 5121. तो इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, देन फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, है ना, और एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस क्या होता है, स्कोप वगैरह क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट हम लोग इस क्लास पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एजुकेशन या शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या है। द टर्म एजुकेशन वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक रूट्स एजुकेटम मीनिंग आर्ट, आर्ट टीचिंग, ठीक है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग। तो ये जो एजुकेशन शब्द है वो ग्रीक वर्ड एजुकेटम से लिया गया था और इसका अर्थ क्या होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग, सिखाने की कला। ऑल्सो इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर एंड एजुकेरे मीनिंग टू ब्रिंग फोर्थ टू लीड आउट टू रेज। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो गया कि आगे बढ़ाना, वैसे टू ब्रिंग फोर्थ जन्म देना, टू लीड आउट उत्साहित करना, टू रेज जागृत करना, ये एजुकेयर या एजुकेरे जो आपका लैटिन वर्ड है इससे भी ये लिया गया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डेवलप देयर नॉलेज एबिलिटीज स्किल कैरेक्टर एंड मेंटल पावर्स। एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन या शिक्षा एक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं लोगों को, वो देते हैं ताकि वो अपने नॉलेज या ज्ञान एबिलिटीज जो उनकी क्षमताएं हैं, स्किल्स वगैरह जो है किसी चीज को कर लेने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, उनका मेंटल पावर्स या मेंटल स्टेटस क्या है, इन सारी चीजों को विकसित करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन देते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। मॉडर्न टर्म में हम एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, एजुकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर इन नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है, थिंग्स नोन, मतलब जो चीज उनको जानना चाहिए, भी जानकारी का क्या स्तर है और उनकी जानकारी का स्तर तो किस हद तक हम बढ़ा सकते हैं, एटीट्यूड्स थिंग्स felt, वो क्या अनुभव करते हैं चीजों के बारे में, उनकी थिंकिंग क्या है, एंड स्किल्स थिंग्स डन, मतलब वो क्या क्या चीजें कर पाने की स्थिति में है और क्या क्या चीजें हम चाह रहे हैं कि वो कर पाए, इन ऑल ऑफ देम और इन वन और मोर ऑफ देम। तो ये जो तीन चीजें हैं और ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बिहेवियरल कंपोनेंट्स ये कहलाता है, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड। एजुकेशन के माध्यम से हम ये तीनों चीजों में ही चेंज करने की कोशिश करते हैं या तीनों में से कोई दो चीज या एक चीज या तीनों की तीनों चीज हम चेंज कर पाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये बिहेवियरल कंपोनेंट्स की अपन बात कर रहे हैं, नॉलेज इट इंक्लूड्स फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप्स। तो नॉलेज के अंतर्गत क्या है, फैक्चुअल जो चीजें होती है, ठीक है ना, उनकी जानकारियां बढ़ाने के बारे में हम बात करते हैं। एटीट्यूड्स, एन एटीट्यूड कैन बी लूजली डिफाइंड एज अ फीलिंग टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट पर्सन एंड सिचुएशन और आइडिया, किसी भी व्यक्ति का किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के प्रति उसकी क्या सोच है, ठीक है ना, वो उसका एटीट्यूड कहलाता है। और ये एटीट्यूड कब फॉर्म होता है, जब उसको नॉलेज हो, किसी भी व्यक्ति में एटीट्यूड फॉर्म करने की स्थिति तभी आ सकती है जब वो व्यक्ति उस चीज के बारे में बेसिक नॉलेज रखता हो। किसी भी चीज को हम अच्छा या बुरा तभी कह पाएंगे जब उसके बारे में हम कुछ ना कुछ जान रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे ही आपका हो गया स्किल्स, एबिलिटी टू डू थिंग्स, मतलब किसी भी चीज को कर पाने की जो क्षमता होती है, किसी भी चीज को कर पाने की जो एबिलिटी होती है उसको स्किल्स बोलते हैं। तो ये एजुकेशन के अंतर्गत ये तीनों चीजों को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और ये चेंज किस दिशा में होता है, डिजायरेबल डायरेक्शन, मतलब जिस दिशा में हम चाह रहे हैं उस दिशा में वो चेंजेस आने चाहिए, ठीक है ना। तो एजुकेशन को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स।
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शिक्षा मनुष्य मात्र के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम किसी भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाने की बात करते हैं। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, स्किल नॉलेज और एटीट्यूड। अकॉर्डिंग टू रस्किन, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल टू नो व्हाट दे डू नॉट नो, इट मीन्स टीचिंग देम टू बिहेव एज दे डू नॉट। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा का अर्थ लोगों को यह सिखाना नहीं है जो वे नहीं जानते हैं, बल्कि वह व्यवहार सिखाना है जो वे करना नहीं जानते हैं। ठीक है ना। जो चीज वो नहीं जानते हैं उसको सिखाना बस एजुकेशन का पर्पस नहीं है, उनके बिहेवियर को हमको चेंज करना, उनके व्यवहार को हमको चेंज करना है, वो जो करना नहीं जानते। अकॉर्डिंग टू जे एस मैकेंजी, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड दैट इज प्रमोटेड बाई ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनके माध्यम से हम एजुकेशन को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कितने प्रकार का होता है। तो ये शिक्षा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तीन प्रकार का है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा भी इसको बोलते हैं। इट इज अ लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस बाय विच एवरी इंडिविजुअल एक्वायर्स एंड एक्यूमुलेट्स नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर टू एनवायरमेंट एट होम एट प्ले एटसेट्रा। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अनौपचारिक शिक्षा क्या कहलाएगी, अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम डे टू डे लाइफ में सीखते हैं, चाहे हम अपने घर में हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करके जो भी चीजें सीखते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में खेलते वक्त या कहीं जाते वक्त जो भी नॉलेज हमको मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, ठीक है ना, उससे जो हमको सीखने को मिलता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल प्रोसेस है, मतलब कि व्यक्ति पैदा होने से लेके मरते तक इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, लिटिल बेबी एज सी ग्रो अप लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज हर पेरेंट्स एंड हाउ टू ईट। ठीक है ना। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद से ही अपने पेरेंट्स मम्मी पापा इन लोगों को पहचानने के बारे में सीखता है, पहचानने लगता है। ठीक है ना। धीरे धीरे वो बैठने लगता है, चलने लगता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो एजुकेशन है या इस प्रकार की जो सीखना है क्या है आपको, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा, इट इज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यूनिफॉर्म, फुल टाइम, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड, हायरार्कली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मतलब कि जो भी स्कूल में शिक्षा प्रदान करने की जो बातें होती है या फिर कॉलेज में जिस प्रकार की शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं वो एजुकेशन है, वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत क्या होता है, आपका करिकुलम फिक्स्ड होता है, जो करिकुलम है उस पर्टिकुलर क्लास में वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप पास होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान में आता होगा कि जिस पर्टिकुलर क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका एज ग्रुप लगभग सबका समान होता है। ठीक है ना। मतलब सेम एज ग्रुप वाले का 2 साल का अगर अंतर हो तो वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं पाया जाता। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है, और फॉर्मल एजुकेशन अगर हम प्राप्त करते हैं या कोई भी व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको वहां से डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स वगैरह जरूर दिए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो स्कूल और कॉलेज में जिस प्रकार की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तीसरा टाइप जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एंड एक्सटेंशन एजुकेशन इज कम्स अंडर नॉन फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन। जो हमारा प्रसार शिक्षा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज
organized and systematic educational activity outside the framework of formal education system to provide selected types of learning to particular subgroup of population, adults as well as children according to their need. ठीक है ना, तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है आउटसाइड ऑफ स्कूल एजुकेशन. यहाँ पे स्कूल जैसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पर एज ग्रुप लोगों का समान नहीं है. यहाँ पे बच्चा या एडल्ट, ओल्ड एज, महिलाएं, सारे लोग एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है ना, तो इस प्रकार की शिक्षा जो होती है वो स्कूल के बाहर प्रदान की जाने वाली शिक्षा होती है. यहाँ पे करिकुलम तो फॉर्मल एजुकेशन जैसा नहीं होता, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है. ये करिकुलम बनाया जाता है एज पर द प्रॉब्लम्स, मतलब जिनको हम शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं उनकी समस्याएं क्या है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उनको क्या शिक्षा प्रदान करें उसके लिए करिकुलम बनाया जाता है. ठीक है ना, एज पर देयर प्रॉब्लम्स. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन. ठीक है ना, एक्सटेंशन वर्कर इम्प्रूव्स द स्किल्स इन कॉटन फार्मर्स ऑन स्टेम एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स. ठीक है ना, मतलब एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है एक्सटेंशन एजुकेशन का. एग्जाम्पल क्या है, किसानों की हमको दक्षता बढ़ानी है, कॉटन जो लगाने वाले किसान है उनकी दक्षता बढ़ानी है स्टेम एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड. ठीक है ना, पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन स्टेम में कैसे करना है और पर्टिकुलर जो भी इंसेक्ट लगता है उसका कंट्रोल कैसे करना है, तो किसानों को सिखाना है. तो किसानों का जो एज ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, और यहाँ पे जो भी चीजें हमको सिखाना है उसका करिकुलम हम बनाएंगे. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंसेक्ट का प्रॉब्लम है कॉटन में. ठीक है ना, ये उनकी समस्या है, उस समस्या को दूर करने से संबंधित हम करिकुलम बना सकते हैं और उस करिकुलम के अकॉर्डिंग हम उनको सिखाएंगे, उनकी दक्षता हम बढ़ाएंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को कंट्रोल करने की स्थिति में आ सके. ठीक है ना, तो ये तीन प्रकार का एजुकेशन है, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल. अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सटेंशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन. सबसे पहले हम लोग जानते हैं द टर्म एक्सटेंशन वॉज फर्स्ट यूज इन द ईयर 1871 बाय जेम्स स्टुअर्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड. ठीक है ना, ओनली फॉर द यूज ऑफ यूनिवर्सिटी. सबसे पहले जो एक्सटेंशन का उपयोग किया गया था वो जेम्स स्टुअर्ट के द्वारा 1871 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये वहां के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा किया गया था. ओनली फॉर द यूज ऑफ यूनिवर्सिटी, और ये केवल यूनिवर्सिटी के उपयोग के लिए ही शब्द का उपयोग उस समय किया गया था. ठीक है ना, देन क्या किया उन्होंने, ही अप्रोच्ड द अथॉरिटीज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज टू ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन लेक्चर्स. द सिस्टम वॉज एक्सेप्टेड बाय द कैम्ब्रिज एज वेल एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1873. उसके बाद फिर उन्होंने कैम्ब्रिज और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे अप्रोच किया उन्होंने उनके अथॉरिटीज से. ठीक है ना, और इसको उन्होंने एक लेक्चर के रूप में शामिल किया एक्सटेंशन. ठीक है ना, ये कब हुआ था, 1873 में. ठीक है ना, और इस कारण से ही इनको इट वॉज फर्स्ट यूज फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन. जैसे कि यहाँ पर हम लोग चर्चा किए कि ये यूनिवर्सिटी के काम के लिए ही उपयोग किया गया था. ठीक है ना, तो क्या काम था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए इस एक्सटेंशन वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था. और इस वजह से जेम्स स्टुअर्ट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन. ठीक है ना, तो जेम्स स्टुअर्ट को यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता के रूप में जाना जाता है. द वर्ड एक्सटेंशन केम टू बी यूज्ड ओरिजिनली इन यूएसए ड्यूरिंग 1914, विच मीन्स अ ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी प्रॉपर. और एक्चुअल जो यूज होना चालू हुआ एक्सटेंशन का वो 1914 में यूएसए में इसका उपयोग हुआ. और ये भी उपयोग किस लिए हुआ, ऐसे लोग जो पढ़ाई या शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहे थे, ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक्सटेंशन का यूज किया गया था यूनिवर्सिटी में. ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स द
the word extension signifies an out of school system of education. फिर दूसरे शब्दों में इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तब स्कूल जो आने की स्थिति में नहीं है और उनको हमको शिक्षा प्रदान करना है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक्सटेंशन का इस्तेमाल एक्चुअल में चालू हुआ यूएसए में 1914 से 14 से। डॉक्टर जे पी लिगन, जे पॉल लिगन्स ऑफ यूएसए इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है ना। Whereas Dr. Ken Singh is known as father of extension in the Indian context. भारत के परिपेक्ष में अगर हम बात करें तो केन सिंह को प्रसार शिक्षा जो है उसके पिता कहे जाते हैं वो, और वैसे ही जे पॉल लिगन्स, ठीक है ना, पूरे विश्व के टर्म्स में अगर हम बोले तो जे पॉल लिगन्स एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, जे पॉल लिगन्स पिता कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो जेम्स स्टुअर्ट है वो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता कहे जाते हैं, ठीक है ना। द टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टार्टेड इन द ईयर 1950 एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है, वहां पर सबसे पहले 1950 में एक्सटेंशन एजुकेशन की पढ़ाई चालू हुई इंडिया में, ठीक है ना। द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग वॉज लॉन्च इन 1955 एट बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, ठीक है ना, बिहार सबौर जगह, वहां पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ाई चालू हुई। ये हिस्ट्री है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अब हम लोग बात करते हैं किसी अर्थ और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन को। द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट्स एक्स मीनिंग आउट एंड टेंसियो मीनिंग स्ट्रेचिंग। एक्सटेंशन को अगर हम बाइफर्केट करें क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस टेंसियो, जिसमें से एक्स का मीनिंग होता है आउट मतलब बाहर, टेंसियो का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब कि किसी भी चीज को फैलाना, ठीक है ना। Extension education is a professional method of non-formal education to bring desirable change in knowledge, skill, attitude, and understanding of the rural people to improve their social, economic, and psychological status. Extension education क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक professional method of non-formal education. Non-formal education एक professional method है. किस लिए है? To bring desirable change in knowledge. ज्ञान में परिवर्तन करना, उनकी दक्षता में, उनके एटीट्यूड या सोच में परिवर्तन करना, एंड उनके अंडरस्टैंडिंग समझ का स्तर क्या है इनका, द रूरल पीपल ग्रामीण लोगों में ये सारी चेंजेस लाना। और ये चेंजेस हम क्यों लाना चाह रहे हैं, टू इंप्रूव देयर सोशल इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस, ताकि उनका सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक जो स्टेटस है वो इम्प्रूव की जा सके। इसको अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डगलस इंसमिंगर एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन एजुकेशन दैट इट्स पर्पस इज टू चेंज द एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल विथ हुम द वर्क इज डन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डगलस इंसमिंगर ने किस प्रकार से इसको डिफाइन किया है, प्रसार शिक्षा एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों के दृष्टिकोण व विचार बदल देना है जिसके साथ यह कार्य किया जाता है। वैसे अकॉर्डिंग टू केल्से एंड हर्ने एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच एडल्ट एंड यंग पीपल लर्न बाय डूइंग। प्रसार विद्यालय कक्षा के बाहर की ऐसी शिक्षा है जिसे वयस्क एवं नौजवान किसी कार्य को करके सीखते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन एजुकेशनल एड फॉर रूरल पीपल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ methods to develop their standards of living and adopt them, ठीक है ना। तो ये food and agriculture
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता के लिए एक प्रकार की शैक्षिक सहायता है जिससे वे अपने रहन सहन के स्तर में विकास लाने के उन्नतशील तरीकों को समझ सके तथा उन्हें अपना सके। तो एक्सटेंशन एजुकेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है ना। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ए दीवी रेड्डी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन विच डील्स विद द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीपल एंगेज्ड इन और एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। कृषि प्रसार एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की पुरानी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना है ताकि वे लोग व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन ला सकें। ठीक है ना। कृषि प्रसार प्रसार शिक्षा की एक विशेष शाखा है जो कृषि से संबंधित लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करती है। वैसे अकॉर्डिंग टू ओपी धामा के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज कंसर्न विद द एग्रीकल्चरल एजुकेशन असिस्टिंग फार्मर्स टू ब्रिंग अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन देयर फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग थ्रू देयर इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स। इट मेक्स अवेलेबल टू द फार्मिंग कम्युनिटी द साइंटिफिक एंड अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। ठीक है ना। तो धामा के आधार पर इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि कृषि विस्तार कृषि शिक्षा से संबंधित है ताकि कृषकों को उनके मौलिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने में लगातार सहायता उनके व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयोग द्वारा ही प्रदान कर सके। यह कृषि समुदायों में वैज्ञानिक और अन्य तथ्यों की जानकारी और प्रशिक्षण और उनकी समस्याओं के समाधान का, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, पशु चिकित्सा, बागवानी, यांत्रिकी इत्यादि से क्यों ना संबंधित हो, ये मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन को, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये रिसर्च लैब्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो रिसर्च लैब्स है वहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज जनरेट की जाती है। ठीक है ना। कृषि संबंधी नई नई तकनीक वहां पर विकसित किए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं रिसर्च लैब्स, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस। ठीक है ना। उसके बाद फिर ये कहाँ जाता है, ये रिसर्च लैब्स में जो हम ये नई नई टेक्नोलॉजी से सॉल्यूशंस जो इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, जो जनरेट कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन वर्कर्स के माध्यम से या एक्सटेंशन सिस्टम के माध्यम से फार्मर्स कम्युनिटी तक जाता है। ठीक है ना। और ये फार्मर्स कम्युनिटी तक क्यों जा रहा है, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टू रेक्टिफाई देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। एंड डिफिकल्टीज ऑफ द फार्मर्स, किसानों की समस्याएं क्या है, उनकी किस प्रकार की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ रिसर्च लैब्स में जो भी टेक्नोलॉजी जनरेट की जाती है कैसे की जाती है, एज पर द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने से संबंधित टेक्नोलॉजीज यहाँ पर जनरेट की जाती है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये रिवर्सेबल प्रोसेस, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। फार्मर्स अपनी समस्याएं एक्सटेंशन वर्कर्स को बताएंगे, एक्सटेंशन वर्कर्स जो साइंटिस्ट हैं उनको बताएंगे, और उन समस्याओं को दूर करने के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी जनरेट करेंगे। फिर यहाँ जो टेक्नोलॉजी जनरेटेड है वो एक्सटेंशन वर्कर के माध्यम से फिर फार्मर्स कम्युनिटी तक पहुंचेगी। तो ये पूरा पूरा आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, किसानों तक टेक्नोलॉजी किस प्रकार से पहुंचाई जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, कृषि प्रसार का आधार क्या है, किस आधार पर कार्य करता है, या क्या क्या चीजें होनी चाहिए तभी ये एफिशिएंटली कार्य कर पाएगा। फेथ इन इंडिविजुअल। ठीक है ना। जिन व्यक्तियों तक या जिन किसानों तक हम ये टेक्नोलॉजीज पहुंचा रहे हैं उनको अपने आप में विश्वास होना चाहिए ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज
मैं यूज कर सकता हूँ इस टेक्नोलॉजी को, यूज करने से मुझे फायदा होने वाला है। फेथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो हमारे लिए जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है, उस पर विश्वास हमको होना चाहिए। फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान है और टेक्नोलॉजी है, तकनीक है हमारा, ठीक है ना, उस पर विश्वास होना चाहिए। तभी जो टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है वो किसानों तक सही तरीके से पहुंच पाएगी और वो अपना पाएंगे। तो ये इसका मेन आधार है। मेन एम की अगर हम बात करें तो एम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या है, चेंज इन व्हाट पीपल नो, ठीक है ना, उनके नॉलेज में परिवर्तन लाना, लोग जो जान रहे हैं जानकारी का स्तर उसको बढ़ाना। चेंज इन व्हाट पीपल कैन डू, व्यक्ति क्या कर सकता है उसकी क्षमताओं में वृद्धि करना। चेंज इन व्हाट पीपल थिंक एंड फील, व्यक्ति क्या सोचता है और क्या अनुभव करता है, मतलब होता है एटीट्यूड, मतलब उसके एटीटीूड को चेंज करना। चेंज इन व्हाट पीपल एक्चुअली डू, व्यक्ति सही मायने में अभी क्या कर सकता है और उसे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, मतलब हम इसमें उनको मोटिवेट करने की भी बात करते हैं ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट कर सके। फिर हम लोग बात करते हैं कि स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका क्षेत्र क्या है, मतलब इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। तो केल्सेन हरने ने 1967 में आइडेंटिफाई किया था कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन किया जा सकता है, किस क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। तो उसमें क्या है, इफिशियंसी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो अभी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या कृषि का जितना उत्पादन हो रहा है, किसान जितना ले पा रहे हैं, उसकी इफिशियंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है ना। तो किस क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के माध्यम से काम किया जा सकता है, इफिशियंसी इन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, जो भी किसान उगा रहे हैं उसका सही कीमत मिले, इस दिशा में काम किया जा सकता है। उसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका कैसे होना चाहिए, कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है ना, जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उसको संरक्षित करके कैसे रखना है, इसके लिए किसानों को इसके माध्यम से हम सिखा सकते हैं, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेस के डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं, प्रॉपर यूज की बात कर सकते हैं कि वो वेस्ट ना हो, मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड द होम, मतलब फार्म का एक्चुअल प्रबंधन कैसे होना चाहिए ताकि किसान अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी ले सके, ठीक है ना। और है आपका इम्प्रूवमेंट इन होल फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, किसानों का जो पूरा का पूरा परिवार है उस पूरे परिवार को हम एक यूनिट मान के चलते हैं और पूरे इकाई का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम बढ़ाने की कोशिश या बढ़ाने की दिशा में कार्य इसके माध्यम से कर सकते हैं। यूथ डेवलपमेंट, नौजवान जो है या स्कूल ड्रॉप आउट्स जो है या जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है ना, उनके विकास की बात हम करते हैं इसमें। लीडरशिप डेवलपमेंट, नेतृत्व विकास के संबंध में इस क्षेत्र में हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ते हैं और इस दिशा में काम करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में इस सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। पब्लिक अफेयर्स, ठीक है ना, लोगों का सरकार के साथ किस प्रकार से रिलेशंस होने चाहिए और लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं इसके प्रति सरकार को जागरूक करते हुए फिर सरकार उस दिशा में कार्य करेगी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। 5 स्टेप है। सबसे पहले हम एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करते हैं, देन फिर डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग प्लान, इवेल्यूशन, देन फिर रिकंसिडरेशन, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या क्या समस्याएं हैं ये आइडेंटिफाई की जाती है। फिर डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके अकॉर्डिंग हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। फिर टीचिंग प्लान ऑफ वर्क बनाया जाता है, टीचिंग प्लान ऑफ वर्क का इम्प्लीमेंटेशन होता है, देन फिर वो सही तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए इसका हम मूल्यांकन करते हैं, अगर कुछ कमी रह गई है तो रिकंसिडरेशन, ठीक है ना। तो ये है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।